हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है मेटल रिफाइनिंग। मेटलर्जी के इस चैप्टर में अभी तक हम बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। सबसे स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि मेटल क्या होता है और ओर्स क्या होते हैं। उसके बाद में हमने ये देखा था कि इन ओर्स को कैसे कंसंट्रेट किया जाता है। बहुत सारे कंसंट्रेशन प्रोसेसेस पढ़ने के बाद में हमने एक्सट्रैक्शन करना सीखा था। अब एक्सट्रैक्शन के बाद में हम किसी भी मेटल के फाइनल स्टेज को देखेंगे, जो है रिफाइनिंग। इस टॉपिक में हम सबसे पहले जानेंगे कि रिफाइनिंग क्या होता है, फिर रिफाइनिंग की क्या क्या टेक्निक्स है, जो प्योरीफाइड मेटल्स हमें मिल रहे हैं उनका क्या क्या यूज है। चलिए अब हम इसके पहले वीडियो की तरफ चलते हैं। तो रिफाइनिंग का मतलब होता है प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। हमें जो मेटल एक्सट्रैक्ट होके मिलता है उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज रह जाती है, तो उन इम्प्योरिटीज को निकालना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार ये इम्प्योरिटीज मेटल को अंदर से वीक कर देती है, या ये इम्प्योरिटीज कहीं और जगह जाके कुछ रिएक्शंस कर देती है। तो इसके लिए इन इम्प्योरिटीज का निकालना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो अगर हम इम्प्योर मेटल को रिफाइन करेंगे तो हमें प्योर मेटल मिल जाएगा।